चलते हैं फिर यहाँ से टिकट पहले वहाँ लेते। कैसे और गैस करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ पहलगाँव और अचानक से प्लान बना, मैं ऑलरेडी ऑलरेडी हो चुकी हूँ। तो अब निकलते हैं, आगे रास्ते में मिलती हूँ। जे लोग निकले और हमारे लिए आगे गाड़ी वेट कर रही है। गैस मम्मा भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे मम्मा हाय करो सपना लगा। गैस आनी चढ़ती मैं गाड़ी में एंड सुनीता दीदी इस गाड़ी में चढ़ेंगे, आ जाओ। तो गाइस आज भी हम लोगों ने सारा मैचिंग वैचिंग लगाया और उधर से देख लो उसने भी वाइट लगाया, इसने भी वाइट पहना हुआ, मैंने भी वाइट पहना हुआ है। गाइस देख लो मेहंदी कैसी लगी हुई है। ओके गो बैक टू यू माय फ्रेंड, डोंट इवन आस्क, डोंट प्ले प्रिटेंड, यू नो यू लेफ्ट मी लोनली, आई कुड टेल देम द होल स्टोरी। तो गाइस यहां पे हम पहुंच चुके टोल गेट के पास एंड एंड क्या मैं क्या बोलने वाली थी, हमें कुछ लाना था और यहाँ से जो है वो बाजार अभी बंद है तो हम नहीं ला पाए। हम आगे जाएंगे। हाँ अशमु काम भी कुछ नहीं है, चिप्स उतारने के लिए उठाने के लिए लाओ जल्दी कुछ ना। तो गाइस मैं नीचे उतरी हूँ और बहुत ज्यादा थक गई हूँ, घर वाले अभी पीछे, आई मीन मेहमान लोग अभी पीछे। मेहंदी बड़ी प्यारी लग रही है ना। अच्छा टेबल की चलो मैं क्यों बोल रही हूँ, अपना राज कलर क्यों चढ़ता है कैसे चढ़ता है नहीं बोलना चाहिए ना। आ चुका है हमारा भोजन और अंश ने ही ये भोजन मंगवाया है, इनको चीजें दे रहे हैं यहाँ पे। Could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start? Where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics. Teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language. So guys, finally पहुंच चुके हैं हम कहीं। मुझे वो नहीं पता, but वहाँ से बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम और हमें जाना है अभी लेवेंडर पार्क। लाओ तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लगा कैसा लगा पहलगाँव? बहुत 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 सुंदर। मम्मा फोटो उठाने जा रही है, उसको फोटो उठाती हूँ मैं। रुको पोज अभी दे दो, पहले मैं फोटो उठाती हूँ। लेवेंडर पार्क उधर देख लो, लेवेंडर पार्क पहुँच चुके हैं और वहाँ से देख लो वहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। चलते हैं फिर यहाँ से टिकट पहले वहाँ लेते हैं फिर चलते हैं। बिंदु के लेने गई है, वहाँ से पानी है ना। इसका जो है ना परफ्यूम बनता है। मम्मा उठाओ साथ, मुझे लगता है हाँ उठाते आधे लोग जो ना वो उठाती मुस्कान मुस्कान ही वो उस शिराज व्लॉग्स में ना उठाओ फिर वहाँ से आते वक्त देखेंगे। चलो कितना सुंदर है यहाँ से। तो गाइज ऑलमोस्ट अब हम ऐसे निकलने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ खास ही था, यही पानी वाली था से इतना ब्यूटीफुल नज़ारा यही है। जिप लाइन का सोचा था पर मुझे लग रहा है जिप लाइन मेरी वजह से टूट जाएगी। तो गाइज यहाँ से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं बेताब वैली एंड अभी हमारा कैब वाला ही पता नहीं कहाँ चला गया। तो गाइज बेताब वैली का कैंसिल हो गया हमारा, तो बिकॉज बेताब वैली हम पहले भी गए हुए हैं तो हम अब जू वगैरह यहाँ से बाकी जगह घूमेंगे फिलहाल। तो वो वाली पार्क जहाँ जाना है यहाँ पे हम बेलपुरी खाने वाले हैं। अब यहाँ से ना अच्छा व्यू है। तो गाइस देख लो यहाँ पे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे रही हमारी बेलपुरी, यहाँ की बेलपुरी तो बकवास ही लगा, वहाँ चलते हैं उधर से। तो गाइस आने हम पहुँच गए होटल हेवन है कि हीवान, आई डोंट नो, वहाँ कुछ खाएंगे भी। इधर पे है यहाँ पे कुछ खाने में, यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से राइट साइड से देखो।
पिज्जा ही खाएंगे और क्या करेंगे। पिज्जा और मैं अभी डाल लगी वाइब आ रही है। तो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकलते हैं एंड बहुत ही मज़ा आया है। अब चलते हैं हम कहीं और, लेकिन थक भी गई यार, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो गाइस यार हमने थोड़ा वाटरमेलन वगैरह और फ़ोन की जो बैटरी है वो लो हो चुकी है, वो 19% है। तो अगर मतलब चार्जिंग का कुछ सिस्टम था तो करके चार्ज करके मैं ब्लॉग बना दूँगी, अगर नहीं था फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। निकलते हैं आप पहलगाम से, ऐसे तो मुझे लगता है यहाँ पर नाइट स्टे के लिए आना जो बड़ा प्यारा है नाइट स्टे के लिए, बट क्या उनको गर्मी होती है, मैंने बाल बंद कर दिए। और अब देखो मैं दिखाती हूँ इधर से कितना प्यारा व्यू है, अब देख लो आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, धूप गई थी तो ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिलहाल तो अब चलते हैं हम लोग। तो गाइस अब मेरा फ़ोन चार्ज हुआ है एंड अब मैं लेकिन घर जा रही हूँ डायरेक्ट, एंड हमने वहाँ पर चाय वगैरह भी पी, बट मैं वहाँ से दिखाती क्योंकि चार्ज नहीं था। हम डायरेक्ट घर जा रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, तो वो जो है वो मंदिर वगैरह जाएंगे, तो हम लेकिन डायरेक्ट अब घर ही चलेंगे। मटन में रुकना है तो अलग गाड़ी में, तो हम अलग गाड़ी में take a couple hours off, got time, let's get the chat to how could I explain the situation man it's so damn cold। तो गाइस ये जो व्लॉग है मैं आप कर रही हूँ मतलब घर आने के एक घंटे बाद से, मतलब स्टार्ट एंड लाइक हम बहुत ज़्यादा थक गए और जेनुइन भी था थकना, बिकॉज सुबह 8 बजे निकले थे और शाम के 8 बजे पहुँचे। मेहमान जो है वो अभी भी वहीं पे है, मटन में ही, वो भी वहाँ से नहीं आए, मे बी वो डिनर भी बाहर से ही करके आएंगे, क्योंकि वहाँ से आके नहीं, वो खुद ही पकाते ना, तो वहाँ से आके वो नहीं पकाएंगे खुद, एंड क्योंकि थक गए होंगे ना इसलिए। तो और आज का जो दिन था वो अच्छा भी था, मतलब मिक्स्ड वाइब्स वाला, बिकॉज फ़ोन की बैटरी भी लो गई ना, फिर मेरे को व्लॉग नहीं फुल शूट कर पाई। और पता है मैं बेता वैली क्यों नहीं गई, बिकॉज जो हम कैब में गए थे, बिकॉज पापा और भाई जो है वो गए थे, हुए थे यहाँ कुफवारा, हमें भी जाना था एक्चुअली, तो बट मेहमान आ गए तो फिर हमने सोचा कि अब इनके साथ भी थोड़ा बैठना पड़ेगा ना, बिकॉज जब हम लास्ट टाइम गए थे वहाँ तो इन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा किया था, तो फिर ना बराबर बराबर करना पड़ता है। सो फिर क्या हुआ ना कि अब जब हम वहाँ पहलगाम पहुँचे, पहले मैं कैब वाले मूड ख़राब करते बोला कि पहले नहीं बोला हुआ था जब हमने बात की उसे, तो उस टाइम कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि वहाँ पे बेता वैली नहीं छोड़ेंगे या कुछ भी। फिर जैसे हम पहलगाम पहुँचे फिर बोलते हैं कि बेता वैली नहीं जा सकते, वहाँ पे यूनियन वाले नहीं छोड़ते। फिर मैंने कहा अरू वैली, बोला वहाँ पे भी नहीं जा सकता। फिर जो भी अच्छी अच्छी जगह थी वहाँ पे से कहा मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर हमें क्या, फिर हम ऐसी वो पार्क्स वगैरह में घूमे तो खास मज़ा नहीं आया, तो ठीक ठाक था दिन, बट हमने असल में जो प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ प्लान के मुताबिक। फिर हमें पार्क्स वगैरह में घूमना पड़ा, उससे बोला नहीं नहीं, फिर हमने कोशिश की थी गाड़ियाँ मिल जाए या कुछ, वहाँ पे इतना ट्रैफिक था और टूरिस्ट था जो ना, टूरिस्ट लोग थे बहुत ज़्यादा, तो फिर गाड़ियों का मिलने का कोई चांस ही नहीं था। सो फिर हम क्या होना कि इसलिए मटन में हमें भी वरना रुकना था, और मैंने सोचा अशमुकाम जाएंगे वहीं से, बट वहाँ आते आते, बट फिर ऐसा होना कि मूड जब ख़राब हो गया फिर हम नहीं अशमुकाम गए, नहीं हम हमने उनका वेट किया फिर मंदिर के पास, फिर हम डायरेक्ट घर ही आ गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हुआ था हमारा, बिकॉज लाइक प्लान किया था तो लेन लीक एंड समथिंग लाइक वहाँ जाने का, बट फिर कुछ और ही हुआ। एंड लेकिन ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था यार, बहुत ही ज़्यादा था। और क्या मैं बताऊँ, मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद। और हाँ, इसको इग्नोर करना जो मैंने पीछे से किया हुआ है, ये ना मैं एक कज़न के लिए एक सरप्राइज़ था, तो फिर अभी फ़िलहाल मेहमान की वजह से वो भी मत हो पाया, तो इस वजह से मैंने अपने कमरे में ही लगा लिया ये, तो वरना किसी और चीज़ के लिए था, निकाल लूँगी उस दिन जब वो सरप्राइज़ अब सक्सेसफुल होगा, फ़िलहाल तो मेहमान की वजह से सारा डिले ही हो गया। तो गाइस फाइनली करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।